बुलेटिन में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जो कोरोना को लेकर बुलाई गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक से जुड़ी हुई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने महत्वपूर्ण बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हम हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने आवश्यक निर्देश भी विदेश विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। और इस बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वीके पॉल, वो सुनवाते हैं आपको। प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पॉन्स का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स सीनियर सिटीजन्स हैं वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल रखना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर जैसे मैं आप क्राउडिंग में आ गया हूँ, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग ठीक है तो वहाँ भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमोबिलिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए ये और भी ज़रूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। सर, चाइना से जो खतरा है ये कितना बड़ा है इंडिया के लिए? लास्ट में यही कहना चाहूंगा, क्या मास्क कंपलसरी करेंगे? हमारी गाइड है कि आप क्राउडेड, जब क्राउडेड प्लेस में है अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या को मोबिलिटीज हैं, उनको तो ज़्यादा इसे इस्तेमाल करना है। सर, क्या इस पर दोबारा गाइडलाइन जारी होगी DDMA की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने मास्क मैंडेट खत्म कर दिए हैं? सर, ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूँ, और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। सर, फ्लाइट एविएशन को क्या करेंगे? सर, चाइना सर जो लास्ट पॉइंट आप बोल रहे थे, चाइना तक कोई सर डायरेक्ट फ्लाइट तो जा नहीं रही है, इंडिया से हम वाया हांगकांग जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की है जो मैंने कही वही है। तो कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बैठक के बाद डॉक्टर वीके पॉल संबोधित कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।